हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। वेलकम टू द अनदर सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, द प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा क्या होता है, कैसा दिखता है, कब बनता है, उसका फंक्शन क्या है, फीटल मेम्ब्रेन्स क्या है, कितनी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या है, किस किस से बनती है, देन एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ पर है, वो कहाँ जाता है, उसमें क्या क्या होता है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है और उसका क्या फंक्शन है। जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है, अब हम लोग देखेंगे कि बेबी के फॉर्मेशन के बाद में प्लेसेंटा क्या होता है और फीटल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो जो प्लेसेंटा है, इसके पहले आप लोगों ने एक फोटो देखा है, दैट वॉज द पिक्चर ऑफ अ रियल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल जितना भी होता है वो प्लेसेंटा मेंटेन करके रखता है। द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड, मतलब डिस्क शेप की होती है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। होमोकोरियल, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द यूट्राइन वॉल। जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे ये हमारा यूट्रस है, तो यहाँ पर ये डिस्क शेप का प्लेसेंटा कनेक्ट होता है, इससे अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी कनेक्ट होता है। ठीक है, एलियन नहीं समझना, ये हमारा बेबी है। ओके, यूट्राइन वॉल एंड एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड, और मदर और फीटस के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन फॉर्म करता है अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा एटम, अब प्लेसेंटा जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या तो डायरेक्टली प्लेसेंटा का प्लेसेंटा आ जाएगा 2 नंबर में, या तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा 2 से 5 नंबर में आते हैं। पैथोलॉजी जो है प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा प्रेविया, रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, तो ये सब जो है ये 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना। जो लोग गायनी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग ऑप्स और गायनी को बहुत अच्छे से पढ़ें। प्लेसेंटा एटम, द प्लेसेंटा एटम इज ऑलमोस्ट अ सर्कुलर डिस्क विद अ डायमीटर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर इतना लगभग उसका डायमीटर होता है। थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर की लगभग इतनी मोटी होती है। वेट होता है 500 ग्राम्स और 2 सरफेसेस होती है। जैसे प्लेसेंटा है ना, तो इसकी 2 सरफेस रहेगी, अंदर वाली जो रहेगी वो फीटल सरफेस रहेगी और बाहर वाली जो रहेगी वो मैटरनल सरफेस। जो फीटस के साथ कनेक्शन में है वो रहेगी फीटल सरफेस, और जो मदर के साथ कनेक्शन में है वो रहेगी मैटरनल सरफेस, ये वाली फीटल और ये वाली मैटरनल। ठीक है, जो फीटल सरफेस होती है वो स्मूथ और ग्लिसनिंग, मतलब एकदम शाइनी सी एमनियोटिक फ्लूइड की लेयर से कनेक्ट होती है और अम्बेलिकल कॉर्ड से अटैच्ड होती है। और डिलीवरी के टाइम पर 4/5 ऑफ प्लेसेंटा जो होता है ना वो फीटस की तरफ से ही बना हुआ होता है। मैटरनल सरफेस जो प्लेसेंटा की रहती है वो रफ होती है। क्यों रफ होती है? क्योंकि फीटल की साइड तो भाई साहब फ्लूइड भरा हुआ है, सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लिसनिंग हो रही है। लेकिन मैटरनल सरफेस पर क्या है, फंडस ऑफ यूट्रस है, एंडोमेट्रियम है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उस साइड उसको इतना प्रॉपरली, मतलब उसे सारी चीज़ें तो मिल रही है, उसे उसका ब्लड मिल रहा है, उसे उसका वाटर मिल रहा है, उसका सारा एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है, लेकिन उस साइड फ्लूइड कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम है, और इस साइड फीटल साइड बहुत ज़्यादा फ्लूइड ही फ्लूइड है, 24 घंटे फ्लूइड में नहा रही है, तो बहुत ज़्यादा ग्लिसनिंग होती है, और मैटरनल सरफेस थोड़ी सी रफ और डल और स्पॉन्जी होती है। ग्रेइश सैगी लेयर होती है जो बताती है कि डेसिडुआ बेसालिस अभी अभी गया है यहाँ से। The maternal surface is mapped out into 15 to 20 convex polygonal areas. ऐसे करके थोड़े से areas बने हुए होते हैं वहाँ पर, जिससे पता चलता है अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो। मार्जिन जो होती है, पेरीफेरल मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इज लिमिटेड बाय द फ्यूज्ड बेसल एंड कॉरियोनिक प्लेट्स।
जो बेसल और कॉनियोनिक प्लेट है वो आकर के मिल जाती है तो वो मार्जिन बनाती है। दो सरफेस होती है, एक मार्जिन होती है। जो प्लेसेंटा है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस पर अटैच्ड होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन की, 2 से 5 नंबर में आ सकते हैं। सेम फंक्शन से जो हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लेसेंटा वही है, बेबी वही है, मदर वही है, फंक्शन सेम रहेंगे। थोड़ा सा एलोबिलिटेड वे में आपको बताना रहेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। सो द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस। फीटस का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सूसु, पॉटी और भी जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सब कुछ प्लेसेंटा ही लेकर के जाता है। फीटल सर्कुलेशन भी प्लेसेंटा से ही मेंटेन्ड होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि फीटस के जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है, प्रोड्यूसेस और मेटाबोलाइजेस द हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा से बहुत सारी हॉर्मोन्स सिक्रीट होती हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए और हेल्दी बेबी के लिए नेसेसरी होते हैं। दो नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट है बैरियर फंक्शन। जो भी मदर को ट्रॉमा होता है, कुछ भी अगर होता है या इन्फेक्शन होता है तो प्लेसेंटा एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करता है। वो हर चीज़ को बेबी तक नहीं जाने देता है, खुद तक ही संभाल के रखता है, रोक करके रखता है, एक बहुत अच्छे सोल्जर की तरह एक्ट करता है। मदर अगर कोई एंटीबायोटिक लेती है, अगर वैसे तो फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, बट इफ इन केस देयर इज एन एमरजेंसी और फीमेल को एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है तो प्लेसेंटा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और एंटीबायोटिक का इफेक्ट जो है वो बेबी तक नहीं जाने देता है या कम जाने देता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखता है। जो बेबी को इनहेरिटेड इम्यूनिटी मिलती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। तो ये था मेन फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। इनको आप बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हो अगर 5 या 10 नंबर में आए, वैसे जहाँ तक है 2 से 5 नंबर तक ही क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं फीटल मेम्ब्रेन की। अभी तक हमने देखा प्लेसेंटा क्या था, कैसे बनता है, एटम कैसा होता है, कितनी सरफेस है, कितनी मार्जिन है, कैसा अटैचमेंट है, कैसा सेपरेशन है और क्या फंक्शन है। अब बात करेंगे फीटल मेम्ब्रेन की। फीटल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, कैसी दिखती है। तो जो फीटस होता है ना, ये हमारा छोटू सा जो बच्चा होता है ना, ये 2 तरह की उससे कवर्ड अप रहता है। तो एक जो मेम्ब्रेन रहेगी उसे हम लोग बोलते हैं कॉरियन, और एक जो मेम्ब्रेन रहेगी उसे हम बोलते हैं एमनियन। अब जाहिर सी बात है जो फीटस है वो पूरा यहाँ पर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के पास वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी एमनियन, और दूर वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी कॉरियन। ऐसा कि ऐसा अगर आप डायग्राम एग्जाम में भी बना करके आते हो, अगर फीटल मेम्ब्रेन क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि कॉरियन क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द रिमेनेंट ऑफ कॉरियोनिक लार्वा एंड एंड्स एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। ये शुरू होता है कॉरियोनिक लार्वा से, हमारा जो बेबी का प्रोडक्शन है वो शुरू होता है, और ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये प्लेसेंटा तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। इट इज थिकर देन एमनियन, ये वाला लेयर, क्योंकि बाहरी लेयर है, बेबी को ज़्यादा प्रोटेक्शन देना होता है, तो ये ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा मजबूत होता है। इंटरनली ये एमनियन से अटैच्ड होता है, एक्सटर्नली जो वेस्टिजेस है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स की और डेसिडुअस सेल्स की उससे कवर रहता है। द टर्म कॉरियन कंटेंस नो वेसल और नर्व, ये वाली लेयर के पास कोई भी वेसल्स, कोई भी आर्टरी, कोई भी वैन, कोई भी नर्व, कोई भी लिम्फेटिक्स कुछ नहीं होते, खाली होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन इट इज प्रेजेंट देयर। एमनियन, इट इज द इनर लेयर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन,
मैं नोट्स से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी रहे कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और 2 नंबर और 5 नंबर में कितना लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कितना लिखें, कितना नहीं लिखें, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इसलिए मैं अपने खुद के नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एमनियन जो है वो अंदर वाली लेयर है जो एमनियोटिक फ्लूइड से कनेक्टेड है। इंटरनल सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी। अगेन शाइनी होने का एक ही कारण है क्योंकि वहाँ एमनियोटिक फ्लूइड है, वो दिन भर एमनियोटिक फ्लूइड में नहाई हुई रहती है इसलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी रहती है एंड इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड एमनियन। आउटर सरफेस कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर छोटे छोटे से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। The amnion can be peeled off from the fetal surface of placenta except at the insertion of umbilical cord. ये वाली जो लेयर है ये पूरी की पूरी हम लोग हटा सकते हैं, पूरी हट जाएगी लेकिन यहाँ से जो रहेगी यहाँ से नहीं हटा पाएंगे, जो umbilical cord का कनेक्शन है placenta से वहाँ से नहीं हटेगा, बाकी पूरी पतली सी लेयर ऑफ स्किन जैसा अगर आपने कभी हाथों पर ग्लू लगाया हो और उस फेविकॉल को ऐसे निकालते हैं तो जो शाइनी सा मटेरियल निकलता है ना सेम वैसा का वैसा दिखता है। अगर आपके पास आसपास कहीं गायनी हॉस्पिटल हो या जहाँ कहीं डिलीवरी होती हो और वो आपको अलाउ करे तो जाकर के एक बार देखना जरूर। देखते हैं फीटल मैम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एमनियन। जो कॉरियन और एमनियन है दोनों का फंक्शन है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में हेल्प करता है। दो अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कैसे बनता है, उसका ओरिजिन क्या है। प्रिवेंट असेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन। कोई भी यूटीआई हो या पेल्विक इन्फेक्शन हो या यूरिनरी इन्फेक्शन हो वो ऊपर की तरफ आने से या फीटस तक अफेक्ट करने से रोकता है। यूटीआई हम लोग कंप्लीट एक क्वेश्चन पढ़ेंगे गायनी में। फैसिलिटेट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। जो सर्विक्स का डायलिटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं क्योंकि जैसे ही ये फटा एमनियोटिक फ्लूइड का बैग ऑफ फ्लूइड बर्स्ट हुआ वैसे ही ये वाली जो शाइनी लेयर है ये एकदम से फिसल करके बाहर की तरफ आती है और एकदम पानी की पिचकारी जैसा वजाइना के थ्रू बाहर आता है जिसके बाद बेबी बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है और रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का। यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ कि प्लेसेंटा क्या है, फीटल मैम्ब्रेन क्या है। अब बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 2 to 5 mark का क्वेश्चन है। ओरिजिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन जो है वो अभी भी प्रिसाइज है, किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है। ऐसा माना जाता है कि वो मिक्स्ड ओरिजिन का होता है, मदर और फीटस से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का होता है। ट्रांसयूडेट होता है मैटरनल सिरम का, ट्रांसयूडेट माना जाता है अम्बेलिकल कॉर्ड का। एमनियोटिक एपिथीलियम से जो सिक्रीशन होता है वो जाकर के मिल जाता है। फीटल प्लाज्मा का ट्रांसयूडेट है या फीटस की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन होता होगा या तो यूरिन के थ्रू या किसी भी थ्रू जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ होता है। दो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रीसाइज ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है, बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है। सर्कुलेशन क्या है। The water in amniotic fluid is completely changed and replaced in every 3 hours. हर 3 घंटे में जो amniotic fluid का पानी है वो बदलता जाता है, इसीलिए during pregnancy females को कहा जाता है अच्छा पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, बार बार पानी पियो, juicy fruits खाओ और ऐसे diet maintain करो जिसमें liquid, fibers इन सब का जो concentration है वो ज़्यादा हो। The presence of lanugo and epithelial cells in the meconium shows that the fluid is swallowed by the fetus and some of it passes through the gut into the plasma. Simply ये कहना चाहते हैं कि जो fetus की potty होती है, waste material होता है, उसमें कुछ cells मिलती है amniotic fluid की, तो इससे ये कहा जा रहा है कि कुछ कुछ जब fetus सांस लेता है या मुंह खोलता है या अंदर घूमता है उस वक्त थोड़ा बहुत amniotic fluid उसके अंदर चला जाता है और फिर वो उसके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब कितने मंथ में, कितने वीक में एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए। 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने में 50 ml,
5 महीने 20 वीक में 400 ml, 8 महीने या 36 से 38 वीक में 1 लीटर। देखो, 8वें महीने तक बढ़ा, लेकिन 9वें महीने से फिर कम होने लग गया, 600 से 800 ml और 43 वीक्स पर 200 ml। लेकिन अगर 200 ml से कम होता है तो बोलते हैं उसे ओलिगोहाइड्रामनियोस। ठीक है, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? फैंटली अल्कलाइन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर होती है 1.010। हाइपोटोनिक होते हैं मेटरनल सीरम से, ऑस्मोलैरिटी 250 मोल्स ऑस्मोल पर लीटर। जो ओरिजिन और सर्कुलेशन देखते हैं, एमनियोटिक एपिथीलियम से आया, मैटरनल सर्कुलेशन से आया, सिक्रेट के एमनियोटिक फ्लूइड इधर से भी आया, सिक्रेट के एमनियोटिक फ्लूइड एक्सचेंज हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ, फीटल सर्कुलेशन में गया, प्लेसेंटा में गया, फिर से मैटरनल सर्कुलेशन में गया, एमनियोटिक एपिथीलियम एमनियोटिक फ्लूइड आ गया। फीटल स्किन और फीटल यूरिन से आया एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस ने इंजेस्ट किया, एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, फिर फीटल सर्कुलेशन में गया, प्लेसेंटा में गया, मैटरनल सर्कुलेशन में गया। ये बताना चाह रहे हैं कि मैटरनल और फीटस दोनों ही कोशिश करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बनाने की। जो कलर होता है अर्ली प्रेगनेंसी में कलरलेस होता है, और जैसे जैसे आपका जो टर्म है या जो डिलीवरी का टाइम है वो पास आते जाता है, वो पेल स्ट्रॉ कलर का हो जाता है। एबनॉर्मल कलर्स क्या क्या होते हैं? मैकोनियम स्टेन्ड फीटल डिस्ट्रेस का साइन है कि बेबी जो है वो किसी न किसी परेशानी में या कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। गोल्डन कलर का तब रहेगा जब मदर और बेबी में RH इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी, मतलब ब्लड ग्रुप प्लस माइनस वाला सीन रहेगा। ग्रीनिश येलो तब रहेगा जब पोस्ट मैच्योरिटी हो गई है, जो बेबी है वो 9-10 महीने क्रॉस कर गया है। डार्क कलर का जब होगा जब एक्सीडेंटल हेमरेज हो गया है। डार्क ब्राउन रहेगा फीटल डेथ में। तो ये सारे कलर्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आप लोग आगे जाकर के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, या आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी करनी चाहते हो तो भी ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कॉम्पोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, 98-99% तो वाटर ही होता है, 1-2% सॉलिड होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, एनपीएम, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, टोटल लिपिड्स, हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, रेनिन और ऐसे कई सारे मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में होता है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में होता है लैनिगो, एक्सफोलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, वर्निक्स, कैजियोसा कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, वजाइना। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा। ऑर्गेनिक में लिखना है प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, एनपीएम, दैट्स इट। इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में लैनिगो, वर्निक्स, कैजियोसा एंड कास्ट ऑफ एमनियोटिक सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड वजाइना, दैट्स इट। फंक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमनियोटिक फ्लूइड के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं या कॉमन में आ सकते हैं फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। एक बलून लेना, उसके अंदर कुछ डालना, एक पत्थर जैसा कुछ डाल देना और उसमें पानी भर देना और फिर उसे शेक करना, वो पत्थर ना तो बाहर आएगा, ना तो वो बलून को कुछ नुकसान पहुंचाएगा और ना हमारा बाहर का जर्ग अंदर की साइड जाएगा। सेम मैकेनिज्म एक्ट करता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड या बैग ऑफ मेम्ब्रेन। एक इवन टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एमनियोटिक सैक को मेंटेन करता है और बेबी की फ्री मूवमेंट और ग्रोथ को एनहांस करता है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन और सॉल्ट प्रोवाइड करता है। लेबर के टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक बर्स्ट नहीं होगी वो मेम्ब्रेन, तब तक आपका लेबर जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी नहीं होगा। एमनियन एंड कॉरियन कम्बाइंस टू फॉर्म दी हाइड्रोस्टेटिक वेज विच हेल्प्स इन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स में बहुत बड़ा योगदान होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ड्यूरिंग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इट प्रिवेंट्स मार्क इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल सर्कुलेशन। जैसे ही बेबी के डिलीवरी होने का वक्त होता है ना, तो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, बर्थ कैनाल को बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लश करता है ताकि जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की वो ईजिली एंड अप हो जाए। और इसकी एंटीसेप्टिक, असेप्टिक, बैक्टेरियासाइडल एक्शन की वजह से ये वजाइना को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा करके भी रखता है।
तो यहाँ हमारा ये वाला थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये सेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा होगा। इसके पहले वाला सेशन अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को बहुत सारा लाइक और शेयर करना।